नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 द्वारा आपका चैनल किस प्रकार से बंद हो सकता है, आर्टिकल 13 किस प्रकार से इंडिया में लागू हो सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को दबाना मत भूलो और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल 13 क्या है? जी हाँ, आर्टिकल 13 क्या है, इससे आपके चैनल को क्या नुकसान हो सकता है, इससे आपका चैनल किस प्रकार से लीड हो सकता है और आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 एक केस है जो हमारी बदौलत YouTube को झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, जैसे कि हम हिंदी में बोल ही सकते हैं, जैसे कि हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, ये बात सच है। YouTube को ऊपर भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है जिसका नाम आर्टिकल 13 है। वो किस प्रकार से YouTube को मिला है? YouTube को आर्टिकल 13 इस प्रकार से मिला है क्योंकि जितने भी हम जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो भी किसी भी कंपनी की भी न्यू इमेज होती है और गूगल में अपलोड करते हैं, हम उन्हीं की पिक्चर को हम अपने में यूट्यूब के थंबनेल में लगा लेते हैं, किसी भी वीडियो में हम यूज़ कर लेते हैं। उसी प्रकार से उन बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ रहा है। इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने YouTube पर एक केस किया है जिसका नाम आर्टिकल 13 है और YouTube ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में बताया है कि इससे आर्टिकल 13 से जितने भी किसी ने भी उनकी कॉपीराइट चेक या किसी भी कॉपीराइट इमेज को यूज़ किया होगा, उनके चैनल को डिलीट किया जाएगा। इसी दौरान YouTube ने अपने 15 दिन के लिए रिकवरी मांगा है। 15 दिन के अंदर YouTube भी अपना फैसला सुनाएगा आर्टिकल 13 इंडिया में लागू होगा कि नहीं होगा। और आपको ये बताना चाहूँगा, आर्टिकल 13 पूरे यूरोप में लागू हो गया है, अब इंडिया में भी लागू होने की बातें चल रही हैं। इस दौरान YouTube इंडिया ने अपने 15 दिन की मोहलत मांगी है आर्टिकल 13 में इंडिया को लॉन्च। अगर आपने भी YouTube से कोई भी इमेज कॉपी करके अपने YouTube वीडियो या वीडियो थंबनेल में लगाया है, आपका चैनल भी डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हां, इसी प्रकार से YouTube ने ऑफिशियली अपने YouTube ट्विटर या YouTube वीडियोस में भी अपलोड किया है आर्टिकल 13 द्वारा। अगर आप भी सोच रहे होगे आर्टिकल 13 द्वारा हमारा चैनल भी डिलीट हो गया, हमारे जितने बड़े सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हों, 2 लाख सब्सक्राइबर्स हों, उनको भी खतरा ये झेलना पड़ सकता है, उनका भी चैनल डिलीट हो सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने 15 दिन का मोहलत मांगी है इस आर्टिकल 13 को किसी नतीजे पर लेके जाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 13 से किस प्रकार से बचा जाए और अपने डिलीट हुए चैनल को भी किस प्रकार से रोका जाए। जी हाँ, आर्टिकल 13 एक लग चुक अभी 15 दिन के या 15 दिसंबर के बाद रिजल्ट आएगा, आर्टिकल 13 लगेगा कि नहीं लगेगा ये 15 दिसंबर के बाद ही पता चल जाएगा पूरे YouTube इंडिया को। उसी दौरान आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उनकी एमएस को अपने यूट्यूब वीडियो में डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, टेक्नोलॉजी गुरुजी भी अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी एमएस को डालते हैं। जी हाँ, खतरा हमको भी है, फिर खतरा टेक्नोलॉजी गुरुजी को भी है। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी पहले अपने इमेज लगाई हुई है YouTube से डाउनलोड करके उनको प्राइवेट कर दो या फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके कम कर दो, अपनी पिक्स लगाया करो, मतलब कि ना कि YouTube से कोई भी पिक उठाकर आप अपने थंबनेल में या अपने वीडियो में यूज़ करो। जी हाँ, इसी प्रकार से आप अपने डिलीट चैनल को डिलीट करने से बचा सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी आर्टिकल 13 से बचना है तो गूगल से इमेज लेना बंद कर दो और अपनी इमेज लगाया करो, ना कि वीडियो में कोई भी इमेज लाओ। इसी दौरान यूट्यूब को भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है हमारी दौरान, ना कि यूट्यूब को। हम भी गूगल से इमेज लेकर अपनी वीडियो या थंबनेल में लगा लेते हैं, इसी दौरान उन कंपनियों को घाटा हो गया। इसी प्रकार से उन्होंने यूट्यूब पर केस कर दिया, यूट्यूब और हम पर ही केस कर रहा है हमारे चैनल को डिलीट करके। अपने चैनल को बचाना चाहते हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक इमेज मत लगाओ, इससे आपका चैनल डिलीट होने से बच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।